सभी को मेरा प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए और इस पल को एंजॉय करने के लिए हम जहां रह रहे हैं मतलब मैं जहां रह रही हूँ और आप लोग भी जहां रह रहे हैं अभी बहुत सुंदर प्रकृति अपना रूप दिखा रही है इस समय इतना मौसम ठंडा हुआ है और नहीं तो इस समय एक अलग ही मौसम रहता है तो वो भी खूबसूरती से अपने मौसम को जैसे कहते हैं कूल कूल तो वो कूल कूल मौसम हो रहा है और आज जो हमारे बीच पार्ट होगा जो हमारे बैकग्राउंड में होगा वो तुषारा जी का होगा वो है नहीं इस समय वो ललिता जी के डॉटर है तो वो कल आएंगी तो वो अपने बारे में बताएंगी कैसे क्या होगा और ललिता जी को अगर कुछ बोलना है तो वो बोल सकती हैं आपको उनके भी आप में अगर कुछ बोलना हो तो वो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं यस मैम जब मैंने उसे आत्मवंदन से भी मास्टर को मैम जब मैंने मेरे बेटी को बताया ऐसा सेवा कर सकते हैं अपन हनुमान जी का चालीसा पढ़कर देने से और वहाँ ग्रुप में वो बजाएंगे वो लोग तो वो बहुत खुश हो गई उसने तुरंत जाकर रिकॉर्ड किया हनुमान चालीसा और मुझे भेजा और मैंने फिर तुरंत आपको भेज दिया मैम और अभी मैं बाहर आई हूँ कल कल मैं उसको इंट्रोड्यूस करा दूंगी आप लोगों से आज उसकी कोई उपलब्धि हुई है यस yes, मैम परसों उसने रिकॉर्ड किया कल शायद मैंने आपको भेजा आज गुड न्यूज मिल गई है वो कैडेट कैप्टन बन गई है वो उसका कंपटीशन एक ऑफिसर के बेटे के साथ था सबको लगा था वो ऑफिसर का बेटा ही बनेगा लड़का लेकिन उसके सामने ये इतनी स्ट्रांग कैंडिडेट थी कि की इसी, इसी का सिलेक्शन हुआ इसका ड्रिल भी अच्छा था Yeah, इसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया तो ये सेलेक्ट हो गई एक्चुअली सब बोल रहे थे मत मत दे दे तेरा नाम मत दे, वो लड़का ही होगा होगा फायदा फायद नहीं हो, कुछ भी रोएगी तू तो ये बोली रोऊंगी तो रोंग फाइडबैक करूंगी तो मैं मेरा नाम जरूर दूंगी और इसने जिद से अपना नाम दिया मैम और इसकी काबिलियत थी ये बन गई यस yes, तो बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को मैम यस यस बधाई हो तो कल आएंगे तो हम वो भी उसके साथ भी शेयर करेंगे उसकी खुशी को थैंक यू थैंक यू ललिता जी थैंक यू मैम थैंक यू और किसी को कुछ आज तक का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो बाबा के साथ का मिलन को शेयर करना हो तो वो कर सकते हैं और अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं जो कर सकते हैं कर लीजिए कुछ पलों की बातें हैं और अगर कुछ नहीं शेयर करना है तो हैंडरेज करिए अगर है, कर किसी को कुछ शेयर करना हो आ, और सबसे बड़ी बात है कि आ, हम प्रणाम करते हैं किसी को नमस्ते करते हैं तो ये क्या है कभी आपने सोचा है कि हम मतलब इस तरह करते हैं इससे क्या फायदे हमें मिलने वाला होता है क्या है या ऐसे ही हमारे बचपन में माँ बाप सिखाते हैं बेटा नमस्ते करो या वो चीज आ जाता है कि नहीं नमस्ते करना चाहिए बड़े लोगों को या हम भी उम्मीद करने लगते हैं छोटे लोग हमसे नमस्ते करें इसके फायदे क्या है प्रणाम करने के तो ये बहुत दिनों से मैं इस चीज को सोच भी रही थी और आज उसका आंसर बहुत अच्छे से मिला मुझे अह हुआ क्या कि आपको भी ये कहानी मालूम होगी कि प्रणाम के फायदे क्या हैं और क्यों हमारे ये संस्कार में हो, होता है और होना चाहिए तो जब महाभारत की चल रहा था महाभारत तो उसमें कुछ ऐसी बातें हुई पांडवों की तरह से या तो भीष्म पिता ने गुस्से में उस दिन ये कहा कि आज कल के युद्ध में मैं पूरा को मृत्यु के घाट उतार दूंगा या उनको नाश कर दूंगा और ये बात जब पांडवों के उसमें आई कहाँ पर आई उनके जहां वो रहते थे युद्ध में सबके अलग 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 बने हुए थे ना जब उनके पंडा उसमें आई तो सब परेशान हो गए क्योंकि सब जानते थे कि भीष्म की का हुनर उनकी कि अगर उन्होंने बोला है तो वो ये कर सकते हैं और इतने परेशान थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कृष्ण को जब ये बात पता लगी तो कृष्ण ने क्या किया द्रौपदी को बुलाया और अपने साथ ले जाके भीष्म पिता जी के ए, उनके वहां गए और खुद बाहर खड़े रहे और उनको जाके बोला जाके प्रणाम करो तो आप। उन्होंने प्रणाम किया और बीज में पिता जी में ने अखंड सौभाग्यवती का उनको आशीर्वाद दिया जब हम प्रणाम करते हैं तो कोई हमें बोलता है खुश रहो कोई कुछ बोलता है तो ये हमें आशीर्वाद मिलता है प्रणाम कभी खाली नहीं जाता है और जब उन्होंने दिया तो एकदम से भीष्म को लगा कि कल के सूरज के उदय के होते ही मुझे पांडवों के को सबको मृत्यु के घाट उतारना था और ये द्रौपदी को मैंने अखंड स्वभागवती का वरदान दिया है तो उनको थोड़ी देर समय समझ में आ गया और द्रौपदी से पूछे कि पुत्री तुम इतनी रात को अकेले तो नहीं आई हो किसके साथ आई हो तो कृष्ण के साथ आई हो बोले हाँ वो बाहर खड़े हैं तो बाहर जाके वो उनके साथ भीच में बाहर आए और कृष्ण को बोले कि आप ही एक हो सकते हो कि मेरे एक कथन को दूसरे कथन से आप ही हो सकते हो जो काट सकते हो ऐसा करते हुए उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम करते हुए और वो कृष्ण द्रौपदी के साथ अपने वापस खेमे में आए और आते हुए बीच रास्ते में उन्होंने द्रोपति से कहा द्रोपति भीष्म ने जो तब एक संकल्प लिया था कल के शुरूदे के साथ तुम जानती थी लेकिन तुम्हारे सिर्फ एक परिणाम ने वो घटना को हटा दिया तुम्हारे सारे पति जीवित रहेंगे तुम्हारा परिवार सब जीवित रहेगा अगर यही परिणाम तुम अपने बड़ों का करती अपने जो तुम्हारे बड़े पिताजी हैं और जो बड़ों का करती रोज और तुम्हारे जो मैं जो कौरव भाई हैं वो तुम लोग के हाँ तुम बड़ों का प्रणाम करे होते तो आज ये युद्ध ना हो रहा होता ये बात उन्होंने कृष्ण ने वहां पर युद्ध भूमि में समझाया कि प्रणाम से कितनी बड़ी घटनाएं प्रणाम हमें क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता इतनी बड़ी घटनाएं कह है। जाती हैं और जीवन का वरदान मिल जाता है एक सिर्फ अपने आप को किसी के सामने झुकाने से तो कुछ कुछ शब्द हैं प्रणाम के मैंने लिख के रखे हुए थे कि मैंने कहा कुछ कुछ ना भूल जाऊं तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि प्रणाम के फायदे क्या हैं प्रणाम हमें अनुशासन सिखाता है डिसिप्लिन सिखाता है प्रणाम हमें शीतलता सिखाता है प्रणाम आदर सिखाता है प्रणाम से सुविचार आते हैं जैसे मेरे अंदर आए कि क्यों हम प्रणाम कर रहे हैं क्यों मेरे अंदर से आया कि मुझे प्रणाम करना है प्रणाम झुकना सिखाता है प्रणाम क्रोध मिटाता है और प्रणाम आंसू धो देता है प्रणाम से अहंकार मिटता है और प्रणाम संस्कृति है इसलिए हमारे यहाँ माता पिता को प्रणाम किया जाता था संस्कारों में और ये संस्कार है हमारे यहाँ इसलिए ये जीवित है तो हर उसमें प्रणाम करने के तरीके अलग होते हैं हमारे यहाँ पैर पूरा प्रॉपर संस्कार होता था पैरों की उंगलियों के अंगूठों को छुआ जाता था उसके तरीके होते थे आजकल हम झुकना भूल गए हैं सिर्फ घुटनों को छूते हैं तो हमारे घुटने भी दर्द होते रहते हैं हमारा बॉडी का क्योंकि झुकना नहीं है तो हमारी एक्सरसाइज नहीं होती है मैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जाते अगर गांव हमारी दादी वगैरह जाती थी तो परात में पानी रख के उनके पैर धोए और पोछे तो एक्प्रिश पॉइंट दोनों तरफ से होता है राम ने भी तब तक गुरु के पैर दबाते थे तब तक गुरु ना सो जाए लक्ष्मण उनके तब तक पैर दबाते थे तब तक लक्ष्मण राम जी ना सो जाए और ऐसी बहुत सारी चीजें क्योंकि ये सब एक दूसरे का लेना देना होता है आज हम उस चीज को नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आज हमको उतनी चीजें हमारे जीवन में आ भी रही है तो एक सिंपल सा प्रणाम करने से हमें कितने फायदे हैं इसको आप एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा सिर्फ मुझसे मत मतलब कि हमने बोला है और आपको अंदर से लग रहा हो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हम क्यों हमारा मन ही नहीं होता ऐसे लोगों को प्रणाम करना जो हमारे लिए पीठ पीछे बुराई करते हैं या कुछ भी करते हैं या हमारे मुंह पे ही गाली देते हैं लेकिन करके देखिएगा अपने आप को थोड़ा सा प्रणाम करके देखिएगा और एक्सपेरिमेंट करिए नहीं होता है कोई बात नहीं आप आ जाइएगा वापस से टेट फॉट टेट वाले उसमें सांत्वना जी आपकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है तो, था 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 था। था था था। तो ये चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं तो मेरा को यही कहना था और आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा मैं भी कर रही हूं और मजा आ रहा है करने में और मुझे ये इसलिए आज ये चीजें मिल गई मैंने आपसे शेयर करी और अपने को फिर से दोबारा सुना मैंने अपने ही शब्दों में अच्छा सांत्वना जी आपको कुछ कहना है क्या तो और किसी को कुछ कहना है नहीं तो फिर हम मित्रता की तरफ बढ़े चलिए किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी कह सकते हैं नहीं सब बड़े शांत हैं हम हम लखनऊ में स्टेशन के पास लिखा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं मैं हम ऐसा ही कहती हूँ कि मुस्कुराइए कि हम सब साथ में तो हैं तो मुस्कुरा दिया करिए और ये पूरे दिन का इंतजार है इतनी कंजूसी किस बात के लिए जिसके लिए हमको फ्री में मिलती है उसको कहीं नहीं लाना है तो मुस्कुराने में क्या जाता है दर्द भी हो रहा हो ना कहीं तो उसको भी मुस्कुरा के कहिए कि वाह दर्द हो रहा है आज मजा आ गया है ना उसको भी इंजॉय करिए तो हम चलते हैं फिर अपने छोटे से मित्रता का संदेश भेजते हुए और आंखें बंद करते हैं जो चश्मा पहने चश्मा उतारते हैं और प्यार से दिल खोल के आज मित्रता का संदेश भेजेंगे कोई पसंद है या नहीं है अपने अंदर की रुकावट नहीं क्योंकि हमारे अकेले की यात्रा है कोई रिश्ता नहीं यहाँ सिर्फ मित्रता कोई परिवार नहीं यहाँ पर सिर्फ मित्रता और हम उन संतों के साथ हमारा कनेक्शन होने जा रहा है जो मित्रता के लिए हम लोगों को चुने हैं यहाँ पर तो प्यार से अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और धीरे से खाली करते हैं और आज अपने आप को प्रणाम करते हैं पहला प्रणाम हमारे अपने के लिए एक और लंबी गहरी सांस लेते हुए उन सभी ध्यानियों को जिन्होंने ध्यान सिद्ध कर लिया है आज हम उनको अपना परिणाम भेजते हैं और धन्यवाद भी भेजते भी हैं ग्रेटिट्यूड भी एक और लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे से छोड़ेंगे अब हम अपने जो भी इस पृथ्वी में हमारे ब्लड रिलेशन है हमारे ऐसे रिलेशन है जिसमें हम बंधे हुए हैं हमें बंधन लग रहे हम कहते भी हैं हम बंद गए कोई भी संस्कार हमारे जीवन में होता है ना हम कहते बंद गए बंद हो गया है तो गांठ लगाते हैं परिवार तो शादी भी होती है ना तो वो एक जोड़ा जोड़ दो गांठ लगाते हैं तो आज हम कहते वो बंधन नहीं है उस सब चीजों को हम प्रणाम करते उन सब रिश्तों को प्रणाम करते हैं जो हमें रुकावट लग रही है बंधन लग रही और अब हम चलते हैं सुंदर सा मित्रता का संदेश भेजने के लिए सूर्य देव को चंद्र देव को पूरे पंच तत्वों को अपना टाइम लेते रहिए भेजते रहिए कुछ भी नहीं सोचना बस भेज दीजिए माँ वसुंधरा को पंच तत्व में वो सब आ जाते हैं लेकिन हम फिर भी एक अलग से भेजते हैं वनस्पति जगत को प्राणी जगत को पशु पक्षी सब जो कुछ आपको कोई अलग से नजर आ रहा है आप अलग से भी उसको भेजिए और उसके बाद अपने प्रिय लोगों को जिनको आपको लगता है कि वो आपके प्रिय हैं या आप किसी के प्रिय हो आपको ये एहसास दिलाता है कोई कि आप उनके प्रिय हो उसको मित्रता का संदेश भेजिए और जो कोई ये एहसास दिलाता है कि आप उनके प्रिय नहीं हो उनको भी मित्रता का संदेश भेजिए और आप किसी के भी प्रिय नहीं हो तो भी मित्रता का संदेश भेजिए बस देते जाइए देवता देवी बन जाइए देते जाइए देते जाइए कुछ मत सोचिए क्यों दें कहा दें बस उनको देते जाइए मित्रता का संदेश थोड़ा टाइम लीजिए और कुछ भूले बिसरे लोग हैं उनको भी देख लीजिए और अब अपने आप को भी भेजिए मित्रता का संदेश दीजिए कि मैं अपना नाम लीजिए कि मैं अपने आप को भी आज से अभी से एक अच्छी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ एक अच्छी सी फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ आज से मैं अपने जो मेरी अंदर से आवाज आएगी उसको सुनने के लिए तैयार हूं फिर उसी जगह आप खुशी महसूस करेंगे बंधन नहीं महसूस करेंगे जब आप अपने आप को सुनेंगे बस कह दीजिए उन प्रिय वस्तुओं को भी पताल को भी जितने भी लोग हैं यूनिवर्स में जो भी कुछ है आपकी आत्मा पूर्ण आत्मा को सब पता है आप तैयार हो जाइए उनको मित्रता का संदेश भेजने के लिए और अब हम तैयार हैं प्यार की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा जो ढाई अखर प्रेम का है जिसके आगे ज्ञान भी कम पड़ता है उसको महसूस करने के लिए उसको लेने के लिए हम अभी तैयार हैं और हम लेना शुरू करते हैं अपने बॉडी के अंदर शास चक्र से हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रवेश कर रही है और एक एक अंग को उस ऊर्जा से सराबोर करते हुए पूरा पैर के नाखून तक अंगूठे तक हम पूरी तरह से हमारा अन्य में कोष और सारे कोष उस रंग में प्यार की प्रेम की ऊर्जा में डूब चुका है जैसे मीरा भाई कृष्ण की भक्ति और प्रेम में रंग गई थी हम भी उस डिवाइन लब में रंग गए कैसा लब फिजिकल नहीं डिवाइन लब जहा कोई थकान नहीं है जहा कुछ भी नहीं है बस एक रूहानी नशा है उस नशे को हम फील कर रहे हैं अनुभव कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए अपने आप को अगर कहीं कसावट है बॉडी में कहीं कुछ हो रहा है तो एक लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ दीजिए ढीला अपने आप को मुस्कुराते हुए अपने एक एक बॉडी के पार्ट को देखिए कि वो भी हंस रहा है खुश है उसका भी जकड़न जो बॉडी के अंदर है वो भी ढीली हो रही है रिलैक्स हो रहा है और अब हम इतने भरपूर हो गए हैं कि हमारा स्पिरिचुअल हार्ट अपने आप खुल चुका है और अब अपने आप बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है जाने दीजिए और अब साक्षी होते हुए सिर्फ देखिए इसको कहा, कहा सब जगह उसको जाने दीजिए कोई भी ऐसा कोना ना बचे जहां हमारे इस प्यार की ऊर्जा को से वंचित रह जाए सभी के दिलों में ये पहुंचे सभी किसी भी परिस्थिति में हो उसको खाना मिल रहा है उसको सुकून की नींद आ रही है कि नहीं आ रही लेकिन वो प्यार के कारण सब भूल गया हम इसको दे सकते हैं ये हमारे पास आ रहा है डिवाइन लव और हम इसको आराम से जाने दे सबके पास जितना जितना हम देते जाएंगे उतना उतना सुकून हमारे इस वसुंधरा में और सब जगह फैलता जा रहा उस फसलों में देखते जाइए वो पक्षियों में सब खोज उसको बेचते हुए कोई अगर छूट गया है तो उसको भी स्पेशल रिक्वेस्ट हो प्यार की ऊर्जा के अंदर डाल दीजिए आप और धीरे से अब सबको ग्रेटिट्यूड करते हुए उन संतों को प्रणाम करते हुए आज हमारे बीच में वासुदेव कृष्ण और इतने महान जो क्योंकि महाभारत का जिक्र हुआ उस प्रणाम के एक जिक्र हुआ है और महान बीच में पितामा और एक एक योद्धा एक, एक महान श्रेणी के जहां गीता का उदय हुआ है गीता जी का उदय हुआ है गीता जी वो जो कोई भी संत बिना गीता के संत बना ही नहीं है तो आज सबको नमन करते हुए हम धीरे से प्रणाम करते हुए सुखद को अपने हृदय में वापस सुखद अनुभव को अपने बीच में अनुभव करते हुए जो आंखें बंद किए हैं ध्यान में हैं वो ध्यान में रहेंगे पूरे नौ बजे तक और जो पाठ करना है वो चुपचाप शांति से धीरे से आंख खोलते हुए पाठ करेंगे थैंक यू वेरी मच मास्टर्स सरोज रज श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नौ रघुवर विमल जशु जो दाय गुपल चारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश ూత్ అతలత పలతామ అంజన పుత్ర పవన సుతనామా మహావీర విక్రంబచరంగి కుమతిన వారు సుమతి కేశి కంచన వనన విరాజ సువేస కానన కుండల కుంచిత కేస కుంచాతజరధ్వజా విరాజ కాందే ముంచు జీయుషాజ శంకర సువన కేసరీ నందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన విద్యాన్ కుని అత చాతుర రామ కాజ కరి బో ఆతుర

सस बदन तुमरो जस असकहि अस कहि श्रीपतिकण्टलकावै सनकादिक ब्रह्मान्यमुनिसा नारद शारद सहितहि सा यमकुबेरदिकपाल जहाते कवि गोविन्द कहि सके कहाते उपकार सुग्रीवे सुग्रीवेकेना राममिलाय राजपद दीन्ना तुमरो मन्त्रविभीषणमाना लङ्केश्वर परि सप जग जाना युगसहस्र योजन पर भानु लिल्योताहि मदुरफल जान प्रभु मुद्रिका मुकुमाही जल काज जगत के जेते सुख अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तिनु बिनु पैसारे सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हूँ को डरना तीनों निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सब पीड़ा जप तन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चढ़ावे मन कमर वचन ध्यान चोलावे पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साजा और जो लावे सोयमित जीवन फल पावे चारो जुग पर तुम्हारा ही हि प्रसिद्ध जगतु जियारा साधु संत के रखवारे मर कुमारे असुरन गंदन राम दुलारे रामदुलारे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर्दीन जानकी माता राम रहायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख अंतकाल रघुवर पुर जाये जहा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमेरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान कुसाई कृपा करो गुरु देव कि

कदेय बस हुसुरगु श्री गुरु चरण निज मन मुकुर सुधारी बरणौ रघुवर विमल जशु जो दायक चारी। चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमी रूपमन कुमार मलबुद्धि विद्या देहुनो ही हर होकलेश विकार एडम आवाज नहीं आ रही है सागर जय कपी सती होलों को उजागर राम दूत अतलतपल्लतामा अन्जनी पुत्र पवन सुतनामा वाहा वीर विक्रम वी कुतरांगी कुमति ने वारुसुति के संगी अन्जन बने ने विनाश सुबेश ंकर सुवन कैसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान कु अथ चातुर राम काज करो आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी दिखावा विकट रूप धरी लंक चराव भीमरूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जकि काज सवारे लाय संजीवन लखन आई श्री रघुवीर हरषि उरुपति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वरतहि सबाइ ससबदन तुमरोजस कावय अस कहि श्रीपति कण्ठलगावय सनकादिक ब्रह्माण्डि मुनि स नारद शारद सहितहि स यमुबेरकपाल चहाते कवि गोविन्द कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवे मंत्र राजपदीहा माना लंकेश्वर पर सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु मधुर फल जानु प्रभुमुद्रिका मेलिमुकुमाहि गए अचरज अचरचनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुबह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुन आके बिनु बेसारे सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग हंक दे का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जप नर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोयमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा ही प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखुवारी असुर निकंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर जानकी माता राम रहायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे

मङ्गलमूरतिरूप रामलखन सीता सहित हृदय श्रीगुरुचरण रज निज मुकुर सुधारि वर नौ रघुवर विमल चशु चोदाय गुफलचारि जानिके सुमिरो पवनकुमार बलबुद्धिविद्या देहु मोहि कलेश विकार जय जय ज्ञानपुनसागर जैकपेसति हुलोक उजागर रामदूत अतुलतपलधामा अञ्जन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम्बजराङ्गी कुमतिनबारु सुमति संगे कंचन वनन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुण्डल कुञ्चितकेसा हातवज्र औरध्वजा विराजय कान्दे मुञ्चचनीयूषाजय शङ्कर सुवन केसरी नन्दन तेज तेजप्रताप महाजगवन्दन विद्यावान कुने अथ चातुर रामकाज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया रामलखन मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहै धरि विकटरूपधरि लङ्क भीम रूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र जकि काज सवारे लाय सञ्जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लयि रघुपति बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय सब वरतहि सबबाइ ससबदनुमरो जस कावय अस कहि श्रीपतिकण्टलकावै सनकादिक ब्रह्माण्ड्य मुनी सा नारद शारद सहितै स पाल जहाते कवि गोविन्द कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव के सुग्रीवेकेना राममिलाय राजपद दीन तुमरो माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु मंदर मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाही जल दिलांग गए अचि

नासे रोग हरे सब पीड़ा जप नर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम्र वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोयमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा ही पर सिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रघुवारे असुर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता राम सदा रहो रघुपति के दास तुम रे भजन राम को पाव जन्म जन्म के दुख बरावय अंत काल रघुवर पुर जाये जहा जन्म भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे

मङ्गलमूरतिरूप रामलखन सीता सहित हृदय श्रीगुरुचरण सरोचिरज निज मनमुकुरसुधारि वर नौ रघुवर विमल चशु चोदाय तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय जय ज्ञानपुनसागर जैकपेसति हुलोक उजागर रामदूत अतलतपलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम्बचरङ्गी कुमतिनबार सुमति संगे कंचन वनन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केस हातवज्र औरध्वजा विराजय कान्दे मुञ्चषाजय शङ्कर सुवन केसरि नन्दन तेज प्रताप महा जगवन्दन विद्यावान पुने अथ चातुर रामकाज करि बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया रामलखन मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहै दिखावा विकट रूप धरि लङ्क भीम रूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र जकि काज सवारे लाय सञ्जीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हरषि उर लयि रघुपति के नियि तुम मम प्रिय सब स सबबाइ तुम तुमरो चस कावय अस कहि श्रीपति कंठ कण्ठलगावय सनकाधिक ब्रह्मा निनी सा नारद शारद सहितै स यमकुबेर पाल जहाते कवि गोविन्द कहि सके कहाते तुम उपकार के न सुग्रीवेकेना रामविलाय राजपद दीना तुमरो मन्त्र माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाही जल दिल गए अचरचना दुर्गम काज जगत के जेते सुख अनुग्रह तुम रे तीते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुन आज्ञा बिनु बेसारे सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग हंक दे का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जप नर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोयमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा ही प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम असुर राम असुरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता राम पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बरावय अंत काल रघुवर पुर जाय जहा जन्म भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे

मङ्गलमूरतिरूप रामलखन सहित हृदय बसुसुरभू श्रीगुरुचरण मन मुकुर सुधारि नौ रघुवर विमल चशु चोदाय तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार देहु देव मोहि हरहु कलेश विकार जय जय ज्ञानपुनसागर जैकपीसति हुलोक उजागर रामदूत अतलतपलतामा अञ्जन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम विक्रम्बजरङ्गी कुमतिनबारु सुमति केसङ्गे कंचन वनन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केस हातवज्र औरध्वजा विराजय कान्दे मुञ्चचनीयूषाजय शङ्कर सुवन केसरि नन्दन तेजप्रताप महाजगवन्दन विद्यावान् कुने अथ चातुर रामकाज करिबो आतुर प्रभुचरित्र सुनिबे को रसिया रामलखन मन बसिया सूक्ष्म सूक्ष्मरूप धरि सिहै विकट रूप धरि लङ्क चरावा रूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र जकी काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लायि रघुपतिडाइ तुम मम प्रिय भरतहि सबायि ससबदनुमरो च सावय अस कहि श्रीपति कंठ कण्ठलगावय सनकाधिक ब्रह्माण्ड्य मुनीसा नारद शारद सहितहि स यम कुबेर दिकपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार के राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मन्त्र माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लिल्योताही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुकुमाही जल दिल गए अच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुब अनुग्रह तुम रे लेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु बेसारे सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपने तेज समारो आप तीनों लोग हंक दे का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जप तर रंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम्र वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोयमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा ही पर सिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रघुवारे असुर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता राम तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पाव जन्म जन्म के दुख बरावय अंत काल रघुवर पुर जाय जहा जन्म भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे

मङ्गलमूरतिरूप रामलखन सीता सहिद् हृदय श्रीगुरुचरण सरोचिरज निजमनमुकुरसुधारि भर नौ रघुवर विमल चशु चोदाय तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय जय ज्ञानगुणसागर जै, जै लोक उजागर रामदूत अतलतपलधामा अञ्जन पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम्भजरङ्गि कुमति बार सुमति संगे कंचन वनन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केस हातवज्र औरध्वचा विराजय कान्दे मुञ्चषाजय शङ्कर सुवन केसरि नन्दन तेजप्रताप महाजगवन्दन विद्यावान् गुने अथ चातुर रामकाज करि बे को आतुर प्रभुचरित्र सुनिबे को रसिया रामलखन मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लङ्क च भीम रूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र जकि काज सवारे लाय सञ्जीवन लखन जियायि श्री रघुबीर हरषि उर लयि रघुपति के बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वर्तै सबभाई ससबदनुमरो चावय अस कहि श्रीपति कण्ठलगावय सनकादिक ब्रह्मान्यमुनिसा नारद शारद सहितै स पाल जहाँ कवि गोविन्द कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव के सुग्रीवेकेना राममिलाय राजपद दीनहा तुमरो माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर बानु ले मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाही जल दिलांग गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुभ अनुग्रह तुम राम दुवारे तुम रखवारे हो तुन आज्ञा बिनु बेसारे सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हूँ को डरना आपने तेज आप तीनों लोग निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जप निरंतन हनुमत बीरा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोयमित जीवन फल पावे चारो जुग परताप तुम्हारा ही पर सिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुरन गंदन राम दुलारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रहायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुवर पुर जाये जहाँ जन्म हरि भक्त और कहा से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो मिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान कुसाई कृपा करो गुरुदेव कि जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंदी महा सुक होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्दि साखी गौरी सक्त सा। दास सदा हरि चेरा की जे नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित बस सुसु श्री गुरचरण सरोजिज निज मन मुकुर सुधारी वर नौ रघुवर विमल जशू चोदाय बुद्धिहीन के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो विकार जय गुण सागर जय कपीसति हुलोक उजागर रामदूत अतुलतपलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम विक्रम्बचरङ्गे कुमति बारु सुमति संगे कंचन वनन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हातवज्र औरध्वजा विराजय कान्दे मुञ्चषाजय शङ्कर सुवन केसरि नन्दन तेजप्रताप महाजगवन्दन विद्यावान् चातुर रामकाज करिबेको आतुर प्रभुचरित्र सुनिबे को रसिया रामलखन सीता सीतामन बसिया रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लङ्क चरावा रूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र चकि काज सवारे लाय सञ्जीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषि उर लयि रघुपद केनि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि बदन ससबदन तुमरो चावय अस कहि श्रीपति कंठ वै सनकादिक ब्रह्माण्डि मुनीसा नारद शारद सहितहि सा, सा। यम कुबेर पाल जहाते कवि गोविन्द कहि सके कहाते तुम उपकार के सुग्रीवे केना रामविलाय राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जान युगसहस्र योजन परवानु लल्लोताहि मंदर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल्दी लांगि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगुण अनुग्रह तुमरे देते राम दुवारे तुम रखवारे होत न आके बिनु बेसारि सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हूँ को डरना आपने तेज समारो आप तीनों लोग हाँक देखा पे भूत पे निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जप नर रंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम्र वचन ध्यान चोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो यमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा ही प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रकुवारे असुर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रहायन पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पाव जन्म जन्म के दुख बरावय अंत काल रघुवर पुर जाये जहां जन्म भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान कुसाई कृपा करो कुर कर बंदी महासुख यह पढ़े हनुमान चलीसा होय सिं गौरीसा तुलसीदास सदा हरि जय रा जय नाथ हृदय पवन तनय संकट हरन रामलखन सीता सहित हृदय बसु सुरभू श्रीगुरुचरण सरोचिरज निज मुकुर सुधारि नौ रघुवर विमल चशु चोदाय गुफलचारि जानिके सुमिरो पवन कुमार देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय गुण सागर जय लोक उजागर रामदूत अतलतपलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम्बचरङ्गि कुमति बार सुमति केसङ्गि कंचन वनन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केसा हातवज्र औरध्वचा विराजय कान्धे मुञ्चषाजय शङ्कर सुवन केसरि नन्दन तेजप्रताप महाजगवन्दन विद्यावान् पुने अथ चातुर रामकाज करि बे को आतुर प्रभुचरित्र सुनिबो रसिया रामलखन सीतामन बसिया रूप धरि सिहै विकट रूप धरि लङ्क चरावा रूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र जकि काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लयि रघुपति केनि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय सब वरतैः सबबाइ ससबदन तुमरो चस गावय अस कहि श्रीपतिकण्ठलकावै सनकाधिक ब्रह्माण्डि मुनीसा नारद शारद सहितै स पाल जहाँते कवि गोविन्द कहि सके कहाते तुम उपकार के सुग्रीवेकेना राममिलाय राजपद दीनहा तुमरो माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर बानू ले मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाही जल दिलांग गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुभ अनुग्रह तुम रे तेते राम दुवारे तुम रखवारे होत न आके बिनु बेसारे सब सुखी रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोग हंक देखा बूत पे भूत पिसाज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत रंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चढ़ावे मन कमर ध्यान तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो लावे सो यमित जीवन फल पावे चारो जुग पराप तुम्हारा ही पर सिद्ध जगत तुझियारा साधु संत के तुम रघुवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर जानकी माता राम रहायन तुम पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसराव अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे

मंगल राम सीता सहित हृदय बसु सुरभू श्रीगुरुचरण सरोचिरज निज मनमुकुरसुधारि सुधारी नौ रघुवर विमल चशु चोदाय तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय गुण सागर जय कपीसिति लोक उजागर रामदूत अतलतपलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम्बचरङ्गि कुमतिन बार सुमति संगे कंचन वनन विराज सुबेसा कानन केसा कुञ्चित केस हातवज्र औरध्वजा विराजय कान्दे मुञ्चषाजय शङ्करसुवन केसरि नन्दन तेजप्रताप महाजगवन्दन विद्यावान् अथ चातुर रामकाज बेको आतुर प्रभुचरित्र सुनिबेको रसिया रामलखन सीतामन बसिया सूक्ष्मरूप धरि सिहै दिखाव विकटरूप धरि लङ्क चरावा भीमरूप धरि असुर सहारे रामचन्द्र जकि काज सवारे लाय सञ्जीवन लखन जियाय श्रीरघुवीर हरषि उरलयि घुपति के बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वरतही सबबाई सदन तुम रोजसुका अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक का ब्रह्म सा नारद शारद सही ति सा यम कुबेर दिख पाल कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रेवी के राम मिलाय राजपदीना तुम रो मंत्रिभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लि मधुर फल जानु प्रभु मुत्रिका मेले मुकुमाही जल दिलांगी गए अचिर काज जगत जेते राम सब सुखी रहे तुम्हारी शरना तुम रक्षक का हूं को डरना आपने तेज समारो आप तीनों लोग हंक दे का भूत पिसाज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जप बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कम्र वचन ध्यान पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोयलावे सोयमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा ही पर सिद्ध जगत साधु संत के तुम रघुबारी असुरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रहा पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पाव जन्म जन्म के दुख बरावय अंत काल रघुवर पुर जाई जहा जन्म भक्त कह और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे

मङ्गलमूरतिरूप रामलखन सीता सहित हृदय श्री सुरभु श्रीरा श्रीरा चन्द्र कृपलभज मन हरण भव भयदारुणं कंज लोचन कञ्जमुख कर गन्ज श्री राम श्रीराम श्रीराम धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे जो भी हमने ऊर्जा प्राप्त की है उसको अपने शरीर में धीरे-धीरे अपने हाथों और पैरों को हिलाएंगे अपने हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखेंगे और तेरा तुझको अर्पण की भावना से पांच सेकंड में अपने आँखों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे पांच चार तीन दो एक शून्य और एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और ये जो आपने भजन सुना इतना मधुर भजन एंड में ये आशीष सर की नीज ने गाया है बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर जी आ, मेरी नीस है पुणे में सौम्या पांडे उसने उसने गाया है है उसका एल्बम आ रहा तो उसने ये पहली रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी मैंने सोचा आज शेयर करते हैं हमारे ग्रुप के साथ तो थैंक यू मास्टर्स थैंक्स फॉर जुड़ने के लिए और एक नई ऊर्जा हाँ। के साथ कल हम अपने नियत समय पर मिलते हैं हम्म mm, जी बहुत मधुर आवाज है सर ऑल द बेस्ट बिल्कुल थैंक यू थैंक यू और सभी का जीवन सार्थक हो मंगलमय हो शुभ हो प्रगतिवान शुभ शुभरात्र